आज की रेसिपी देखने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने मिठाई बनाया है ना, बहुत ही इजी और बहुत ही सस्ते में आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन घर में आप इसे सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल कम समय में इसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और टेस्टी सा बनके बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई हमारा तैयार हुआ है। कोई भी इसमें फूड कलर यूज नहीं किया है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ, जय माता दी। तो आइए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिए हैं पार्ले जी बिस्किट, जो हमारे घर में अक्सर बिस्किट आते हैं, उसी बिस्किट से आज हम आपको ये मिठाई बनाकर दिखाएंगे। और भी बिल्कुल ही कम सामान में और बिल्कुल कम समय में ये बनकर तैयार होगा। तो ये हम यहाँ पर फ्रेंड्स ले लिए हैं एक बड़ा पैकेट और एक छोटा पैकेट लिए हैं। तो आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं जितने लोगों के लिए बनाना चाहती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आ गए गैस के पास और गैस पे रख दिए कढ़ाई। इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं करना है, बस 2 से 3 चम्मच घी हमारे बहुत होगा रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर घी हमारा मेल्ट हो गया है, आप देख सकती हैं फ्रेंड्स। और अब जो ये मैंने बिस्किट लिया है, इस सारे बिस्किट को इसमें डाल देंगे कढ़ाई में और इसे बिल्कुल बढ़िया क्रंची इसे होने तक फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा ये फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे पलटते हुए हमको कर लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया सा, बिल्कुल इसका बहुत ही आसान है फ्रेंड्स बनाना। तो इसे हम पलटते हुए सेक लेंगे, दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे चलाते हुए हमको कर लेना है ताकि सभी बिस्किट अच्छे से हमारे फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर हम जो है देखिए चलाते हुए कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा बिस्किट जो है फ्रेंड्स हो चुका है फ्राई। तो इसे हम एक प्लेट में अब निकाल लेते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा हो गया है। अभी ये गर्म है तो थोड़ा सा नरम लगेगा, लेकिन जब ये हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया ठंडा ना, तो ये क्रंची बिल्कुल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे अब इसी कढ़ाई में हम जो है 1 गिलास दूध लिए हैं। तो यहाँ पर दूध आप किस मलाई वाली दूध हम लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मलाई वाला ही दूध आप लीजिए, सिंपल दूध भी ले सकती हैं बिना मलाई का भी। और इसे दूध को हम पकाएंगे तो इससे बिल्कुल तेज़ गैस आँच पर हमें पकाते हुए इसे गाढ़ा कर लेना है। थोड़ी देर इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल बढ़िया सा दूध हमारा जो है गाढ़ा हो रहा है। और अब इसमें हम आधी कटोरी के लगभग चीनी ले लिए हैं, क्योंकि बिस्किट भी मीठा होता है तो इसलिए हमें चीनी उस हिसाब से ही डालना है। आप चाहे तो थोड़ा सा अधिक भी चीनी डाल सकती हैं, 1-2 चम्मच। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा सा अधिक भी डाल सकती हैं। और अब इसे डालकर हम इसको चलाते रहेंगे दूध में ही, जब तक कि चीनी हमारा मेल्ट ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहना है। तो यहाँ पे जब तक दूध हमारा हो रहा है, हम बिस्किट को जो है जार में डालकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसको डालकर इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी बिस्किट को जितना एक बार में हो सकेगा उतना कर लेते हैं और बिस्किट को जो है तोड़ तोड़ के डालेंगे ताकि ये जो है अच्छे से बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर इसका तैयार होगा। तो यहाँ पे हम जो है आ गए फिर से गैस के पास और दूध हमारा बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा हो चुका है, जो मैंने ये बिस्किट का पाउडर बना के रखा है देख सकती हैं। इसे अब हम डाल देते हैं, इसी में डाल देंगे, सभी को चम्मच से निकाल कर डाल देंगे, क्योंकि ये घी में फ्राई किए हैं तो चिपक गया है जार में, इसलिए इसको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। फिर ये हम इसे लगातार चलाते हुए इसी दूध में जो है पका लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी मिठाई आप झटपट बनाकर रेडी कर सकती हैं घर पर अपने। तो यहाँ पे जो है
इसे हम चलाते हुए बिल्कुल लगातार चलाएंगे और इसे कढ़ाई में चिपकने न देंगे, इसलिए इसे चलाते रहेंगे। और ये देख सकते हैं कलर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बढ़िया लग रहा है। बिना मावा बिना आप किसी भी यूज किए बहुत ज़्यादा सामान नहीं, सिर्फ दो चीज़ों तीन चीज़ों में आप ये मिठाई घर पर रेडी कर सकती हैं और बिल्कुल कम सामान में ये आपका बन गया। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं फ्रेंड्स किशमिश थोड़ी सी और थोड़ी सी सूखे नारियल को टुकड़े में कट करके लिए हैं। आप चाहे तो इसे इसके जगह नारियल के बुरादा भी डाल सकती हैं, जो कोकोनट पाउडर आता है उसे भी डाल सकती हैं, और आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स में बादाम काजू जो भी पसंद हो उसे आप डाल सकती हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ वही डाले हैं और अब इसे गैस को बंद करके छोड़ दिए ठंडा होने को। यहाँ हम एक टिफ़िन ले लिए हैं फ्रेंड्स, इसमें घी ग्रेस करके और बटर पेपर लगा दिए हैं जब तक कि ये हमारा आगे की तैयारी भी हो गया है। और अब यहाँ पर हम जो ये बना करके रखे हैं इसे हम डालेंगे, यहाँ पे डाल के इसे सभी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे हम अच्छे से बिल्कुल फैला लेते हैं ताकि ये बिल्कुल बराबर एक जैसे बने। तो ये देखिए यहाँ पर हम सभी को निकाल के फैला लेंगे। आप चाहे तो टिफ़िन की जगह कोई भी बर्तन ले सकती हैं, प्लेट में भी जमा सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये टिफ़िन में ही करिए, किसी प्लेट में भी जमा के रेडी कर सकती हैं। तो इसे अब हम चम्मच से बिल्कुल बढ़िया से इसे करते हुए एक बराबर, और इसे अब हम जो है मिला लेंगे ताकि ये एक पीस जब तैयार हो तो बिल्कुल एक बराबर और बढ़िया सा ये बन के रेडी हो। तो यहाँ पर देखिए हम सभी को कर दिए। अब इसे हम रख देते हैं एक घंटे या 40 से 45 मिनट लग सकते हैं, इसे फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए ताकि ये बिल्कुल बढ़िया सा जमकर तैयार हो जाए। तो इसे हम फ्रिज में रखे हुए फ्रेंड्स देखिए कम से कम एक घंटा मैंने रखा और ये बिल्कुल बढ़िया सा हो गया है टाइट बिल्कुल जमकर। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट में निकाल लेंगे, इसे हल्का सा ऊपर से टिप टिप करते हुए इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लिए हैं। अब जो ये बटर पेपर लगाए थे इसे हम बिल्कुल आराम से ये निकल जाता है, इससे हमारा मिठाई ख़राब नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया तरीका से बनकर तैयार होता है। तो देख सकती हैं कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया सा। इसके ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा वो नारियल सूखा जो है डाला था, जो कट करके रखा था उसे डाल दिए थे। आपकी इच्छा करे तो डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और अब इसको हम कट करेंगे। तो इसे कट करने के लिए पहले हम इसके ऊपर से लगा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिए हैं पेपर, सिल्वर पेपर, तो इसे थोड़ा सा हम चांदी वर्क लगा देंगे। चांदी वर्क लगाने से थोड़ा सा लुक हमारे मिठाई का और भी बढ़िया आ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर चांदी वर्क लगा दिए हैं। तो आप देख सकती हैं ये थोड़ा सा ना फ्रेंड्स लगाने में दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा हमको दिक्कत लग रहा है। तो यहाँ पर हम चाकू से ही लगा लिए हैं, चाकू से आराम से लग जाते हैं। और अब इसके हम पीस को कट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना टाइट हो गया है, बिल्कुल बढ़िया सा। और ना अभी फ्रिज से तुरंत निकाले हैं, ये 5-10 मिनट में थोड़ा सा और नरम हो जाएगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा ये। तो देखिए पीसेस यहाँ पे हम कर लेंगे, उस आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकती हैं, जैसा भी आपको पीस पसंद हो वैसा आप कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम सभी पीसों को कट कर लेते हैं। ये देखिए एकदम बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम कट कर लिए और आपको एक पीस निकाल कर दिखाते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देखने से ही लग रहा होगा पता आप लोगों को कि बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है और टेस्ट में तो सच में बहुत ही बढ़िया बना था। ये आपको दिखाते हैं तो देख सकती हैं कितना बढ़िया सा ये तैयार हुआ है मिठाई। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें लोग प्लीज़ वीडियो को, मेंबर में जो भी आपके फैमिली मेंबर में हो उसे भी मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि मेरी वीडियो का वो लोग भी देख के रेसिपी बना सके। अगर आप लोगों को आज की वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना आप लोग नहीं भूला करें और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो ये आप लोगों को एक मिठाई हम तोड़ कर भी दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना बढ़िया सा बिल्कुल ये बिल्कुल सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया मुंह में घुल जाने वाला ये मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो इसे बच्चे या बड़े या गेस्ट